जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉलेज से संबंधित जो भी अपडेट होती है इस विजिट चैनल पर दे दी जाती है, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में कॉलेज से संबंधित कुछ अपडेट हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। निकल कर आ रहे हैं कौन से अपडेट हैं, क्या अपडेट है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आ रहे हैं, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आ रहा है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो भी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूजी और पीजी के रेगुलर स्टूडेंट हो अगर आप, तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट आ रहा है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए, और साथ ही एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, आपके परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए थे। आपको मैंने पहले बताया था 2 मई से लेकर 18 मई लास्ट डेट रखी गई नॉर्मल फीस के साथ में, 19 मई और 20 मई लास्ट डेट रखी गई थी 1500 रुपये लेट फीस के साथ में, और 21 मई से 8000 रुपये लेट फीस के साथ में आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं परीक्षा प्रारंभ होने से एक दिन पहले तक। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से परीक्षा फॉर्म भर दीजिए लेट फीस के साथ में, लेकिन आपकी साल खराब नहीं होगी जिससे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें यूजी सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, जी हाँ दोस्तों, सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट है बीए बीकॉम बीएससी, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट जो अभी एनईपी चल रहा है वो वाले स्टूडेंट नहीं, जो ओल्ड स्टूडेंट है, ईएक्स स्टूडेंट है, जो पुरानी पद्धति के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई थी नियमित शुल्क के साथ में 7 मई लास्ट डेट रखी गई थी। अब अगर आप परीक्षा फॉर्म एग्जाम फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कुछ लेट फीस आपको देनी होगी और आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से अपना परीक्षा फॉर्म जो कि सबमिट कर दीजिए। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, आपका रिवाइज टाइम टेबल अनाउंस किया गया है, और यहाँ पर 24 मई से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली बीए फर्स्ट ईयर एटीकेटी न्यू कोर्स स्टूडेंट की, जिनकी एटीकेटी आई थी, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी 24 मई से लेकर के यहाँ पर परीक्षा चलने वाली है 9 जून तक, यहाँ पर आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें बीएड सेकंड ईयर एटीकेटी के जो भी स्टूडेंट हैं, आपकी भी परीक्षाओं का टाइम टेबल आ गया है, रिवाइज टाइम टेबल जारी किया गया है, और 23 मई से लेकर 1 जून तक आपकी परीक्षाएं यहां पर चलने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें एमएड फर्स्ट ईयर की, तो 24 मई से लेकर 5 जून तक इनकी परीक्षाएं चलेंगी 1 बजे से 4 बजे तक, और अगर हम यहां पर बात करें एमएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो 23 मई से लेकर के 3 जून तक इनकी यहाँ पर परीक्षाएं चलने वाली हैं। तो अपडेट है एपीएससी यूनिवर्सिटी के बीएड एमएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, और जीवाजी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर टाइम टेबल, जीवाजी यूनिवर्सिटी के एमए एमकॉम प्रीवियस डिस्टेंट मोड जो भी स्टूडेंट है, जिन्होंने डिस्टेंस मोड से एमए एमकॉम में एडमिशन लिया है, तो उनका यहाँ पर परीक्षाओं का टाइम टेबल आ गया है, उनकी परीक्षा यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है डिस्टेंस मोड स्टूडेंट की। और यहाँ पर जो प्रीवियस का मतलब होता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर अगर हम कहें, या थर्ड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस होता है, तो इनकी जो टाइम टेबल आ चुका है यहाँ पर प्रीवियस जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि तो इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं चलता, प्रीवियस और फाइनल चलता है यहाँ पर डिस्टेंस मोड में, तो 23 मई से 30 मई तक होगी, और एमए की एमए हिस्ट्री 23 मई से 30 मई यानी कि सभी के 23 से 30 मई तक चलने वाली हैं। इसके बाद में एम लिप का भी आ चुका है, एम एल आई वी का भी आ चुका है, फर्स्ट का यहाँ पर वन ईयर वाला जो कोर्स होता है उसका भी आ चुका है टाइम टेबल डिस्टेंस मोड एजुकेशन का, जैसा कि देख पा रहे हैं डिस्टेंस मोड एजुकेशन का टाइम टेबल आ गया है, और इनकी भी जो परीक्षा है 23 मई से लेकर के 8 जून तक चलने वाले यहाँ पर। तो ये टाइम टेबल जो कि अनाउंस कर दिया गया है डिस्टेंस मोड एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट है, केवल उन्हीं के लिए टाइम टेबल है, रेगुलर और प्राइवेट के लिए नहीं है। तो रानी दुर्गापति यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर का आपका जो टाइम टेबल था 20 मई से आपकी परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, आज से आपकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीई के जो भी स्टूडेंट है, अगर आपने अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से आप अपना परीक्षा फॉर्म सबमिट कर दीजिए, यहाँ पर 22 मई लास्ट डेट रखी गई है जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, यही अपडेट थी कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर और भी अपडेट आती जाएंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता जाऊँगा। वीडियो को शेयर कर देना और एसपीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज से संबंधित हर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।